आपको क्रोशिया का एक बहुत प्यारा सा डिजाइन बताने वाले हैं फ्रेंड्स। ये आप इसमें स्टॉल और शॉल पर बना सकती हैं, बहुत ही प्यारा डिजाइन है। देखिए सबसे पहले हमने 20 चैन बुननी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 के बाद एक और बुन लीजिए और इसे देखिए इस तरह से बड़ा फंदा रखना है आपने। आप किसी गत्ते पे गत्ते की पट्टी लेकर उस पर भी बना सकती हैं, या आपके पास इस तरह का स्केल हो तो आप ये स्केल रख सकती हैं फ्रेंड्स इस तरह से। देखिए हमने सारे फंदे एक से बनाने हैं, अगर हम बिना इसके बनाएंगे तो कोई फंदा छोटा बन जाएगा और कोई फंदा बड़ा बन जाएगा। तो देखिए एक इस तरह ले लिया हमने, लेने के बाद आपने इस तरह रखना है। फिर देखिए ये जो सेकंड वाली चेन है इसके अंदर आपने फिर से इस तरह फंदा निकालना है और ये देखिए फिर आपने इसके अंदर इस तरह से डालना है। इस तरह से हमारे सारे फंदे एक बराबर बनेंगे, दो हो गए। दो के बाद देखिए तीसरी वाली चेन में इस तरह से इस तरह से, फिर ये जो आपकी चौथी चेन है इसमें चार हो गए, पांच आज के बाद देखिए ये छह। तो फ्रेंड्स देखिए हमने 20 चैन बुनी है तो हम 20 फंदे इसी तरह बड़े फंदे बनाएंगे। तो मैं इस तरह से इस रो को कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए मैंने बड़े फंदे स्केल पे बना लिए हैं, देखिए इस तरह। और फ्रेंड्स आपने जब बनाना है तो देखिए 5-5 के फंदे रखेंगे, 5। तो ये हमारे 20 फंदे हो गए हैं टोटल। और अब हम क्या करेंगे देखिए, अब हम इसे आराम से निकाल लेंगे सारे फंदों को। तो ये हमारे एक से फंदे बनकर आ गए हैं देखिए। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स देखिए, फिर फ्रेंड्स देखिए आपने 2, 4, 5 आपने 5 फंदे लेने हैं। और 5 फंदे लेने के बाद इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशे से इन पांचों में से बुनना है आपने इस तरह। फिर आपने देखिए जो बीच में है यहाँ इस तरह से इसके अंदर आपने सिंगल क्रोशे से 5 टाइम बुनना है, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए मैंने 5 टाइम बुन लिया है। अब देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 फंदे आ गए। फिर से हमने इन पांचों फंदों को इस तरह से बुनना है देखिए। फिर इसके बीच में से जहाँ से हमने लिया है यहाँ से इस तरह रखिए। फिर देखिए इसमें 5 बुनने, आपने 1 बुन लिया, 2, 3, 4, 5। फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और इन पांचों को आपने इस तरह से 1 और इसके बीच में से यानी ये जो बीच है यहाँ से आपने 1 बुन लिया, 2, 3, 4, 5 और 5 के बाद देखिए फिर से 2, 4 और 5। एक और इसके बीच में से 2, 3, 4, 5 देखिए इस तरह से।
फ्रेंड्स आप चाहें तो बड़ा स्केल लेके आप थोड़े से इसके लूप बड़े भी रख सकती हैं। देखिए इस तरह से, इस तरह से देखिए हमारी सेकंड रो तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, फिर से हमने इसका बड़ा लूप लेना है और फिर से हमने स्केल रखना है। अब हम इस तरह से रखेंगे, देखिए इसे इस तरह कीजिए, फिर आपने क्या करना है देखिए, फर्स्ट आगे सेकंड वाले लूप में डालना है इस तरह, बस आपने अब इस तरह से जैसे हम फंदे उठाते हैं बस इसी तरह हमने उठाने हैं, दो तीन चार पांच, ये पांच हो गए। पांच के बाद देखिए फिर हमने इसमें से भी पांच बनाने हैं, एक दो तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैं इस तरह से सारे फंदे उठाकर बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने सारे फंदे देखिए इस तरह से स्केल पे बना लिए, सारे एक साथ आए हैं। फिर से हमने फ्रेंड्स इन फंदों को निकालना है, निकालने के बाद देखिए दो तीन चार पांच, इन पांच फंदों को हमने इस तरह से बुनना है। तीन चार पांच, फिर इसके बाद देखिए एक दो तीन चार पांच, ये पांचों को लेकर आपने इसके अंदर से इस तरह से एक दो तीन चार पांच, दो तीन चार पांच। अब देखिए इन पांचों को भी इस तरह से इनके बीच में से हम एक सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे और ये देखिए इस तरह से कर देंगे, ये आ जाएंगे बीच में और इसके बीचों बीच यहाँ आपने सिंगल क्रोशिया से बुनना है, दो हो गए तीन चार पांच, और इसके बाद इन सबको एक साथ बुन देंगे। एक दो तीन चार इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए ये सिर्फ टू ही रो का डिजाइन था और देखिए बनने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। बस फ्रेंड्स आप इस डिजाइन को अपने स्टॉल पे शॉल पे लगा सकती हैं और बनने के बाद ये बहुत प्यारा लगता है फ्रेंड्स। और अगर आपको फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।